सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु से दोहराएंगे पाठ दो, मेरा विद्यालय। तो आइए मेरे साथ निकालिए पेज नंबर 56 यानी 56। यहाँ पर है पाठ दो, मेरा विद्यालय। आइए शुरू करते हैं पाठ दो, मेरा विद्यालय। यह मेरा विद्यालय है। विद्यालय मतलब स्कूल। मेरा विद्यालय छोटा सा है पर है बहुत सुंदर। ये बच्चा है जो अपने विद्यालय के बारे में, अपने स्कूल के बारे में हमको बता रहा है। वो कह रहा है कि ये जो मेरा विद्यालय है ये छोटा सा तो है पर बहुत ही सुंदर है। मेरे विद्यालय में 8 कमरे हैं। 8 मतलब 1। बच्चों को देखिए, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है वैसे आपको भी अपनी पेंसिल लेकर जब आप पढ़ेंगे तब साथ साथ अंडरलाइन करने हैं कठिन शब्द, ठीक है। मेरे विद्यालय में 8 कमरे हैं। 8 मतलब 8। सभी कमरे बड़े और हवादार हैं। प्रधानाचार्य कौन होते हैं? स्कूल के प्रिंसिपल। प्रधानाचार्य का कमरा अलग है। हमारे स्कूल में भी तो प्रधानाचार्य हमारी प्रिंसिपल मैम का कमरा अलग है ना, वैसे उनके स्कूल में भी प्रधानाचार्य का कमरा अलग है। मेरे विद्यालय में लड़के और लड़कियां, अंडरलाइन कीजिए वर्ड लड़कियां, एक साथ पढ़ते हैं। जैसे हमारे सेंटेंस स्कूल के अंदर लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं, इस बच्चे के स्कूल में भी लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं। सभी बच्चे, वर्ड बच्चे अंडरलाइन कीजिए, प्यार से, प्यार शब्द भी अंडरलाइन कीजिए, से रहते हैं। सभी बच्चे प्यार से रहते हैं, कोई किसी से लड़ाई नहीं करता है। विद्यालय के आगे एक सुंदर, अंडरलाइन द वर्ड सुंदर, उपवन, इस शब्द को भी अंडरलाइन कीजिए, उपवन। उपवन मतलब बगीचा। उनके स्कूल के आगे एक सुंदर बगीचा है। उपवन में रंग बिरंगे, कैसे रंग बिरंगे, बहुत सारे रंगों वाले फूलों के पौधे हैं। तो रंग बिरंगे और पौधे दोनों को अंडरलाइन कीजिए। माली पौधों को पानी देता है। पौधों को पानी कौन देता है? माली। आइए पेज नंबर 57 निकालते हैं। 57 यानी 57। शुरू करें। हमारी कक्षा, कक्षा मतलब क्लास, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, में बैठने के लिए छोटी छोटी कुर्सियां, अंडरलाइन कीजिए शब्द कुर्सियां, और मेजें, मेजों को भी अंडरलाइन कीजिए, हैं। जैसे हमारे स्कूल में आप लोगों के लिए छोटी कुर्सियां मेजें हैं, वैसे इसके विद्यालय में भी बच्चों के बैठने के लिए छोटी छोटी कुर्सियां और मेजें हैं। हमारे विद्यालय की पढ़ाई बहुत अच्छी है। पढ़ाई और अच्छी, इनको अंडरलाइन कीजिए। विद्यालय के पीछे एक बड़ा मैदान है। इनके विद्यालय के पीछे क्या है? एक बड़ा मैदान है। हमारे स्कूल के सामने एक बड़ा मैदान है ना, पर इनकी स्कूल के पीछे एक बड़ा मैदान है। इसमें हम तरह तरह के खेल खेलते हैं। इसी मैदान में प्रातः काल मतलब सुबह सवेरे, प्रार्थना, प्रार्थना मतलब प्रेयर होती है। हमारी भी तो प्रार्थना सुबह मैदान में होती है ना, वह लगने के बाद हम सब जमा होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रार्थना के बाद व्यायाम, व्यायाम मतलब कसरत। आपको मैम पीटी कराती है गंदीप मैम, वो कहलाता है व्यायाम। और योगासन,
योगासन मतलब आपको आजकल वंदना मैम योगासन करवाती है ना, वैसे ही ये बच्चे भी प्रार्थना के पास व्यायाम और योगासन भी करते हैं, भी कराए जाते हैं। बच्चों प्रातःकाल प्रार्थना व्यायाम और योगासन इनको क्या करेंगे, अंडरलाइन। चलिए आगे चलते हैं। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। पुस्तकालय वो जगह होती है जहाँ बहुत सारी किताबें रखी होती हैं और लोग वहाँ पर जाकर नई नई तरह की किताबें, अलग अलग विषय की सब्जेक्ट्स की किताबों को पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय में अलग अलग विषयों मतलब सब्जेक्ट्स की अनेक पुस्तकें मतलब किताबें हैं। तो क्या क्या अंडरलाइन करेंगे, पुस्तकालय विषयों और पुस्तकें। यहाँ हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं मतलब सब टीचर्स योग्य मतलब पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे से, और अनुभवी यानी उनको बच्चों को पढ़ाने का बहुत एक्सपीरियंस है। तो क्या क्या अंडरलाइन करेंगे, अध्यापक अध्यापिकाएं योग्य और अनुभवी, इन शब्दों को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। वे हमें बहुत लगन से पढ़ाते हैं, और अध्यापक अध्यापिकाएं क्या करते हैं, बच्चों को बहुत लगन से पढ़ाते हैं। मुझे विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चा क्या कह रहा है, उसे विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी विद्यालय जाना अच्छा लगता है ना, वेरी गुड। आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप जितना भी काम अभ्यास पुस्तिका में कराया गया है उसका रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।